हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए टेली प्राइम के अंदर होल जीएसटी ट्यूटोरियल लेकर आई हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को जीएसटी का पूरा ट्यूटोरियल बताने वाली हूं। टेली प्राइम के अंदर अगर हमें जीएसटी सॉल्यूशन चाहिए तो किस तरीके से आपको काम करना है, किस किस तरीके से हम जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, टेली के अंदर जितना भी अकाउंटिंग करते हैं उसको हम जीएसटी के साथ कैसे ऑपरेट करेंगे। तो हेयर वी स्टार्ट। सबसे पहले मैं यहाँ एक कंपनी क्रिएट करने वाली हूँ, तो कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं रैंडमली। अभी मैं कोई सिंपल किसी कंपनी का नाम जो है डाल देती हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दिया SSA कंपनी, ठीक है। इस नाम से कंपनीज जो है मैंने क्रिएट कर दी है। इसके बाद आपको आना है नीचे, स्टेट सेलेक्ट करना है। जीएसटी अगर आप एप्लीकेबल करना चाहते हैं तो आपको स्टेट डालना बहुत ज़रूरी है। आपका बेसिक जो डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो बेसिक डिटेल्स आप यहां पर डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर 1st of April 2021, ठीक है। बुक्स बिगिनिंग ईयर है। अभी फिलहाल सिक्योरिटी के ऑप्शंस अभी मैं एक्टिवेट नहीं कर रही हूँ। मैं इसको कंट्रोल ए या एंटर एंटर करके मैं इसको एक्सेप्ट करके कंपनी की डिटेल्स को मैं सेव कर रही हूँ। आफ्टर सेविंग योर कंपनीज डिटेल, आपके पास कंपनी तो क्रिएट हो गई है SSA कंपनीज, उसके फीचर ऑप्शंस की विंडो ओपन हो चुकी है। फीचर ऑप्शंस के अंदर अकाउंटिंग फीचर्स अलग से मिलेंगे, इन्वेंट्री अलग से मिलेंगे, टैक्सेशन अलग से मिलेंगे और अदर ऑप्शंस भी अलग से आपको मिल जाएंगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर कुछ बेसिक फीचर्स एप्लीकेबल नहीं है तो आप मोर फीचर्स ऑप्शन या ऑल फीचर ऑप्शंस में जाकर भी डिटेल्स को यस कर सकते हैं। तो जो भी हाइड ऑप्शंस होंगे, इनएक्टिव ऑप्शंस होंगे, वो सारे आपके ओपन हो जाएंगे। अभी मुझे जीएसटी पे काम करना है तो मुझे अपने कंपनी के, टेली प्राइम की कंपनी के जीएसटी फीचर्स को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इस जीएसटी के इस फीचर को मैंने यहाँ से यस कर दिया, ठीक है। यस करते ही एक विंडो ओपन हुई है और इस विंडो के अंदर जीएसटी के कुछ डिटेल्स जो है इंपॉर्टेंट होती हैं वो ओपन हो गई हैं। सबसे पहले आपको स्टेट बताना है कि आपकी जो कंपनी की आप बात कर रहे हो उस कंपनी को कहाँ रजिस्टर कर रखा है, किस स्टेट में वो कंपनी या आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है। तो स्टेट दिल्ली मैंने यहाँ से ले लिया है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप में मैंने ले लिया, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो रेगुलर है तो मैंने रेगुलर ले लिया। रेगुलर लेने का सेंस ये है कि आप मंथली जो भी अर्न करोगे तो मंथली बेसिस पे ही आपको जीएसटी के रिटर्न्स या जीएसटी जो है पे करना पड़ेगा। कंपोजिशन में क्या होता है, क्वार्टरली बेसिस पे जो है टैक्स और रिटर्न जो है करनी पड़ती है। तो अभी हमारा रेगुलर बेसिस पे हमने ले लिया। फिर बेसिक डिटेल्स एक्टिवेट करनी है, जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट, तो आप 1 जुलाई 2017 के बाद की कोई भी डेट यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो मैंने 1st of April 2021 यहाँ पे डाल दिया। अब ये जो जीएसटी नंबर आप डालने जा रहे हैं, ये जीएसटी नंबर हमारी इस कंपनी SSA कंपनीज का जीएसटी नंबर है। आपको ध्यान रहे, मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो जीएसटी की डिटेल आप एक्टिवेट कर रहे हैं, यहाँ पर जीएसटी की डिटेल आप फिल कर रहे हैं, ये आपकी कंपनी की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी की डिटेल जो है यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने अपनी कंपनी की डिटेल जो है यहाँ पर डाल दिए। तो देखना पड़ेगा आपको, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर डाल दिया। अभी तो मैंने रैंडम एक नंबर डाल दिया है, कोशिश की है 15 डिजिट्स। तो इस तरीके से मैंने ये नंबर डाल दिया। प्रायोरिटी ऑफ जीएसटी मंथली लेंगे क्योंकि हमने रेगुलर वहां से लिया है, तो ये मंथली जो है रिटर्न में जाएगा। जीएसटी R1 हम मंथली भरेंगे, ठीक है। हम नीचे आएंगे, ई वे बिल अगर एप्लीकेबल है तो आप ई वे बिल की डिटेल्स भी आप यहाँ पे यस कर देंगे। अगर ई वे बिल रिक्वायर्ड नहीं है तो आप इस फीचर को नो भी कर सकते हैं, ठीक है। ई वे बिल की थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे डाली गई है, कुछ पर्टिकुलर डिटेल जो है यहाँ पर डाली गई है। इसमें क्या होता है कि ई वे बिल आप जो बना रहे हैं, ई वे बिल का इनवॉइस वैल्यू 50,000 की एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर ई वे बिल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 50,000 तक की जो हमारी इनवॉइस वैल्यू होती है, तो अगर उससे ऊपर अगर होती है तो ई वे बिल रिक्वायर्ड होता है, तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। और अगर इंटर स्टेट की अगर हम बात करें, एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स की या सप्लाई हो रही है या गुड्स की मूवमेंट हो रही है तो भी ई वे बिल की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ये इंटर स्टेट एप्लीकेबिलिटी बोल रहा है कि अगर आप इंटर स्टेट कर रहे हैं सप्लाई तो भी क्या ई वे बिल एप्लीकेबल रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड
इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये भी हम एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं। बेसिक डिटेल के लिए हम नीचे आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल। सेट ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल, इस ऑप्शन को मैंने येस किया। येस करने के बाद आपको जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है वो आपको यहाँ पर डालने हैं। तो आपकी कंपनी किससे रिलेटेड है आपको वो डिटेल जो है यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप जो जिस पर्टिकुलर गुड्स या किसी पर्टिकुलर सर्विसेज से रिलेटेड आप अपनी कंपनी रन कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको डालने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर डाल दिया है। अब HSN नंबर आपको जो प्रोवाइड किया गया होगा आपकी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वो मैंने रेंडमली अभी फिलहाल जो है नंबर डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे टैक्सेबिलिटी लेंगे, टैक्सेबल, और बेसिक जीएसटी रेट मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 18%। तो ये रेट जो 18% मैंने यहाँ पे डाल दिया है, सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%। इंटरग्रेटेड का मतलब होता है जुड़कर जो बनता है, इंटरग्रेटेड 18% डाल दिया है। और जब इंटरग्रेटेड में जो अमाउंट आपने डाला है, जो रेट आपने डाला है जीएसटी का, वो ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधा आधा, 50-50%, क्योंकि जीएसटी का जो रिवेन्यू है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेस अभी एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। अगर आपके पास, जब आप ये जीएसटी फीचर एप्लीकेबल करेंगे और आपके पास यहाँ पर जीएसटी के सारे रेट अवेलेबल नहीं होते हैं, डिस्प्ले नहीं होते हैं, तो आप यहाँ F12 का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F12 का बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अलाउ HSN SSC डिटेल्स, तो ऑलरेडी ऐसे इसीलिए HSN नंबर की डिटेल्स वहां पर एप्लीकेबल है। अगर आपको नहीं दिख रहा है जीएसटी के सारे टाइप्स, तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं शो ऑल जीएसटी टैक्स डिटेल्स, आप इस ऑप्शन को भी येस कर देंगे। येस करके आप बाहर आएंगे तो आपको सारे जीएसटी डिटेल्स यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। वो येस कर दिया मैंने, अब ये ऑप्शन भी मुझे येस करके चलना है। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, जिससे क्या होगा कि अगर मुझे कोई ऐसा बिल बनाना है जो मल्टी जीएसटी का है, मान लीजिए एक ही बिल के अंदर अलग अलग जीएसटी रेट का डिटेल अगर आपको शो करनी है, किसी स्टॉक आइटम पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%, किसी पे 28%, तो इसके लिए मुझे सेट ऑल्टर जीएसटी क्लासिफिकेशन डिटेल येस इनेबल करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको येस किया, सेव किया और कंट्रोल ए करके मैं इस फीचर्स ऑप्शन से बाहर आ गई हूँ। अब और हमारी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब आपको कुछ बेसिक लेजर्स बनाने हैं जो जीएसटी के लिए जरूरी हैं। तो मास्टर्स के अंदर क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट के अंदर आपको लेजर्स में जाना है, लेजर में जाके लेजर क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जीएसटी के ही लेजर्स क्रिएट करूंगी। मान लीजिए मैंने बनाया सी जी एस टी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए होता है, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। ड्यूटी टैक्स टाइप जाएगा जीएसटी, टैक्स टाइप जाएगा सेंट्रल टैक्स, और इसको आप कर देंगे इसी तरीके से ओके। इसी तरीके से SGST भी क्रिएट होगा, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अंडर जीएसटी, एंड ये स्टेट टैक्स होता है आपका, इसको भी आप एक्टिवेट करके ये क्रिएट करके सेव कर दीजिए। अब आता है IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि अंडर जीएसटी ही आता है और ये इंटीग्रेटेड टैक्स होता है। जब हमारा कोई भी सप्लाई इंटर स्टेट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल सप्लाई अगर हमारा होता है तो वो इंटीग्रेटेड टैक्स यानी कि जीएसटी में जाता है। तो इसके लिए मैंने ये टैक्स भी, ये जीएसटी टाइप भी क्रिएट कर लिया। अब आपको बनाना है सेल्स, ठीक है, सेल्स का लेजर। अगर मैं सेल्स करती हूँ तो मुझे सेल्स का लेजर भी चाहिए। सेल्स का लेजर ऑलवेज अंडर सेल्स अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू येस रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर गुड्स है सर्विस है वो आप आगे देख सकते हैं। अभी जीएसटी एप्लीकेबल इसमें मैं नहीं करती हूँ, इसको कर दिया मैंने सेव। इसी तरीके से आप बनाएंगे दूसरा लेजर जो है परचेज का, परचेज अंडर ऑलवेज इन परचेज अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू ऑलवेज अफेक्टेड। अब ये इन्वेंट्री वैल्यू इसलिए हम येस करते हैं क्योंकि जब भी आप सेल या परचेज करते हो आपकी इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक आइटम है उस पे इफेक्ट पड़ता है। परचेज करते हैं तो हमारा जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज होता है, और जब सेल करते हैं तो हमारा इन्वेंट्री डिक्रीज होता है, तो इसके लिए इफेक्टिव होता है। इस चीज को भी हमें लगा के चलना है, ठीक है। तो कुछ बेसिक जो लेजर्स थे वो मैंने यहाँ पर बना लिए। अब आपको इससे बाहर आना है, ठीक है। इससे बाहर आने के बाद आपको आना है वाउचर्स में। अब वाउचर्स के अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर वाउचर्स बनाने हैं, या अगर कुछ पार्टीज के लेजर्स क्रिएट करना चाहते हैं तो वो पार्टीज के लेजर भी आप क्रिएट कर सकते हो।
तो मैं डायरेक्टली वाउचर में जा रही हूँ, और अभी सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल सिंपल सिंगल जीएसटी रेट का लेजर आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है? तो हम सॉरी वाउचर जो है मैं आपको बिल बना के दिखा रही हूँ। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं परचेज करूंगी, ठीक है? तो मैं परचेज पे गई, F9 आप प्रेस कर सकते हैं परचेज के लिए। परचेज में आप देख पा रहे हैं सप्लायर इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, और नीचे पर्टिकुलर्स का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन जो चीज मैं परचेज करने वाली हूँ वो गुड्स हैं, तो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन अगर एक्टिवेट नहीं है तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, चेंज मोड या कंट्रोल एच। जब आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, आइटम इनवॉइस का ये ऑप्शन आ रहा है, अकाउंटिंग इनवॉइस से बाहर आके आइटम इनवॉइस आपको लेना, और आप देख सकते हैं नेम ऑफ आइटम यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे परचेज 001 जो है कर दी है। पार्टी अकाउंट नेम, अगर आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हो तो आप कैश भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप B2B परचेज कर रहे हो, जैसे किसी कंपनी से परचेज कर रहे हो, आप भी एक कंपनी है, आप भी बिजनेस हो, और आप किस जिससे खरीद रहे हो वो भी एक बिजनेस यानी कि कोई कंपनी है, तो वो B2B परचेज होती है। तो आप यहाँ उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंपनी का नाम लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे ले लेते हैं अंबिका, ठीक है? अंबिका कंपनी, अंबिका कंपनी हमारी यहाँ से क्रेडिटर्स में जाएगी, लेनदार। और यहाँ पे बेसिक जो डिटेल्स हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको मैंने यस कर दिया। इस कंपनी की कोई जीएसटी डिटेल अवेलेबल है तो आप जीएसटी डिटेल, और यहाँ पे ध्यान रहे रजिस्ट्रेशन टाइप आपको बताना है कि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, कंज्यूमर है, कौन है ये। तो मैंने रेगुलर ले लिया, और इसका जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर मैंने इस तरीके से डाल दिया है, ठीक है? तो ये मैंने डाल दिया है इसका जीएसटी नंबर, ठीक है? इस तरीके से जीएसटी नंबर डाल दिया, इसको डिटेल को यस कर दिया। यहाँ कोई बेसिक डिटेल डालने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, तो इसको हम यस करके सेव करके आ जाएंगे। बेसिक डिटेल डालते ही ये डिटेल खुल जाएंगी, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए, और यहाँ पे लेना है परचेज। परचेज ले लिया, आप नेम ऑफ आइटम बताइए किस चीज का आप परचेज करना चाहते हैं। तो मैं किस चीज का परचेज करना चाहती हूँ वो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए मैं लेजर्स, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल अभी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली ऑल्ट सी दबाऊंगी और क्रिएट कर लूंगी कोई स्टॉक आइटम, ठीक है? मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक का बताया था, ठीक है? हमारी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सेल परचेज करती है, तो पहले हम परचेज करें देन उसके बाद हम सेल करेंगे। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए टीवी डाल देती हूँ, ठीक है? मैंने डाल दिया LG स्मार्ट टीवी, ये हमने परचेज किया है LG स्मार्ट टीवी। इसका जो कैटेगरी है अंडर जो है LG जाएगा, तो मैंने यहाँ पे LG डाल दिया, ठीक है? और यहाँ से मैंने इसको कर दिया सेव। कैटेगरी जो है टीवी होता है, तो मैंने यहाँ पे ऑल्ट सी किया और यहाँ पे कैटेगरी टीवी जो है बना लिया। यूनिट ऑल्ट सी करके आपको बनाने पड़ेंगे। अब जो टीवी है इलेक्ट्रॉनिक वो पीसेस में जाएगा, ठीक है? सिंबल में पीस पीसेस डाल दिया, ठीक है? PCS डाल देते हैं पर पीस, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ राइट हैंड साइड आना है, LG स्मार्ट टीवी के ऊपर कितना जीएसटी रेट लगना चाहिए वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिलहाल मैं इसको इसी तरीके से सेव करके बाहर आ रही हूँ। अब LG स्मार्ट टीवी का क्वांटिटी बताइए कितना आप परचेज कर रहे हो। तो मुझे मालूम है कि भाई मैं कितना परचेज कर रही हूँ। मान लीजिए 10 पीसेस जो है LG स्मार्ट टीवी के मैंने खरीद लिए, और एक स्मार्ट टीवी मेरे को पड़ी है 18,000 रुपए की, ठीक है? 18,000 रुपए की स्मार्ट टीवी पड़ी है। इसके अलावा और दूसरा कौन सा स्टॉक आइटम है जो आप खरीद रहे हैं? तो मैंने यहाँ से फ्रिज खरीद लिया है, 260 लीटर फ्रिज, 260 लीटर, ठीक है? ऑल्ट सी करके किसका फ्रिज खरीदा है, तो मैंने डाल दिया सैमसंग का फ्रिज खरीदा है। कैटेगरी में मैंने ऑल्ट सी करके सैमसंग बना लिया, सॉरी अंडर ग्रुप में। और कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे अगेन, अब कैटेगरी ये जो फ्रिज है वो अंडर फ्रिज जाएगा, ठीक है? तो ये अंडर मैंने फ्रिज जो है डाल दिया, यूनिट पीसेज में ले लिए, और यहाँ पर इसको कर दिया मैंने इस तरीके से सेव, ठीक है? इसके मैंने 15 पीसेस जो है खरीदे हैं, और एक फ्रिज का जो रेट है हमारा वो है 15,600 का, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। मान लीजिए अभी 2 चीजों का मैंने परचेज जो है किया है, और भी चीजों का आप परचेज यहाँ पर जो है कर सकते हो। कुछ और स्टॉक आइटम हम ले लेते हैं, जैसे हमने टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया, ठीक है? ऐसे ही अगर आप और भी स्टॉक आइटम्स हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया कंप्यूटर,
ठीक है, कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर है, ठीक है, वो आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए डेस्कटॉप कंप्यूटर मैंने जो है डाल दिया, ठीक है, तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर डाल दिया। कंप्यूटर कौन सी कंपनी का है आपको वो भी लेना पड़ेगा। कंप्यूटर सैमसंग कंपनी का भी आता है, डेस्कटॉप जो मॉनिटर या कंप्यूटर की बात करें तो वो आता है। अगर नॉट एप्लीकेबल करेंगे प्राइमरी में भी छोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैटेगरी भी आप यहाँ पे कंप्यूटर जो है बना सकते हैं, तो मैंने क्या किया कैटेगरी में कंप्यूटर यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है, ये हो गया हमारा कैटेगरी डन। यूनिट ले लिया मैंने पीसेस, इसको भी कर दिया कंट्रोल डन कर दिया, सेव कर दिया, और मैंने 12 पीस ऑफ कंप्यूटर जो है परचेज किया। एक कंप्यूटर मेरा 10,000 रुपए का यहाँ पे पड़ा है मान लीजिए। अब मुझे नीचे आना है, अब यहाँ जहाँ एंड ऑफ लिस्ट का जो ऑप्शन आता है यहाँ आपको CGST और SGST जो है लगाना है, तो मैंने CGST टाइप किया, SGST टाइप किया, और आप देख सकते हैं GST जो है एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन मुझे ये भी चेक करना है कि जो स्टॉक आइटम मैंने परचेज में डाले हैं उनमें कितना परसेंट GST लगा है। इसके लिए आपको जो है डिटेल्स में जाना पड़ेगा या कंट्रोल आई का बटन प्रेस करेंगे, मोर डिटेल्स में जाना या कंट्रोल आई प्रेस करना, और GST के फीचर्स में आप जाना, टैक्स एनालिसिस करना और ऑल्ट एफ वन दबाना यहाँ इस डिटेल विंडो पे, और आप देख सकते हैं हर एक स्टॉक आइटम पे 18-18% GST, यानी कि CGST 9%, SGST सेंट्रल टैक्स 9% और स्टेट टैक्स 9%, आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है हर एक स्टॉक आइटम के ऊपर, ठीक है। तो ये बिल हमारा बन चुका है और इस बिल को हम कर लेते हैं सेव। ये GST ई वे बिल की कुछ डिटेल है, अभी मैं एप्लीकेबल नहीं कर रही हूँ तो इसको फिलहाल मैं इसी तरीके से सेव कर देती हूँ। तो ये हमारा बिल जो है बन के रेडी हो चुका है। तो ये सिंपल GST बिल था। अब मान लीजिए मैं सेल कर रही हूँ, तो मैंने सेल बिल ओपन किया और सेल कर रही हूँ किसी और कंपनी को या किसी कस्टमर को। मान लीजिए कस्टमर को सेल कर रही हूँ, तो मैं एक लेजर भी बना सकती हूँ कस्टमर के नाम का। तो मैं ऑल्ट सी करती हूँ यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कस्टमर वन जो है डाल सकती हूँ। तो या अगर कस्टमर का नाम अवेलेबल है, मान लीजिए मैंने अमित एक कस्टमर है उसको जो है सामान सेल कर रही हूँ, तो मैं ये डेटर होगा मेरा, ये मैंने क्रिएट किया, और इस कस्टमर का कोई GST नंबर तो होगा नहीं, तो मैं इसको अननोन छोड़ दूंगी, या कस्टमर या कंज्यूमर के नाम से मैं यहाँ पर ले लूंगी। तो मैंने कंज्यूमर अवेलेबल है तो मैंने कंज्यूमर ले लिया, और आप इसको सेव करके बाहर आएंगे तो ये GST डिटेल नहीं पूछेगा। सेल है तो सेल ले लिया मैंने, और इस अमित ने फ्रिज खरीदा है हमसे, अमित ने फ्रिज खरीदा और एक फ्रिज खरीदा है, तो हमने आप देख सकते हैं, मैं बैक करके दिखाती हूँ, ये फ्रिज हमारा बना हुआ है। अब ये फ्रिज आपने जितने का भी परचेज किया होगा, लेकिन आप कितने का सेल कर रहे हो आप अपने मार्जिन वार्जिन जोड़ कर ही बताते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने 15,000 का फ्रिज परचेज किया था, तो आप 18 या 20 का फ्रिज जो है सेल करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ी बहुत चीजें हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। तो मैंने 18,000 रुपये का मान लीजिए इसको कंप्यूटर कम ज्यादा जो भी होगा अपना अमाउंट उसमें जो है हम यहाँ पे शो करेंगे, और इसके ऊपर GST भी आपको लगाना है। तो यहाँ से CGST और SGST भी आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो मैंने CGST SGST के साथ इसको एक 18,000 का जो है फ्रिज जो है सेल कर दिया है। अब इसकी भी मोर डिटेल्स ऑप्शन में जाकर GST की डिटेल आप एंटर करेंगे और इसका चेक करेंगे कि इसका बिल कितने GST रेट के साथ बना है, वो सेम सेम GST रेट के साथ यहाँ पर ये बिल जो है क्रिएट हुआ है। अब होगा क्या इस तरीके, अब मान लीजिए कि फ्रिज के ऊपर 18% GST नहीं था, 28% GST था, तो उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आपको फ्रिज वाले लेजर पे जाना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, ये स्टॉक आइटम ऑल्टरेशन सेकेंडरी ऑल्टरेशन में आ गए हम, और ये जो GST की डिटेल आपके सामने दिख रही है आपको इसको एप्लीकेबल करना है, और यहाँ GST का इस स्टॉक आइटम का डिस्क्रिप्शन जो है आप दे सकते हैं, इसका HSN नंबर आप दे सकते हैं, तो ये डिटेल डालेंगे और इसका टैक्सेबिलिटी दिखाएंगे और इसके ऊपर 28% GST जो है लगाएंगे। इसको मैंने कर दिया डन, ठीक है, 28% GST लगा है कि नहीं, हम इसको दोबारा मोर डिटेल या आपको कंट्रोल आई प्रेस करना है, GST डिटेल ऑप्शन में जाना है और इसको एंटर करके ऑल्ट एफ वन प्रेस करना है और चेक करना है कि कितना परसेंट GST यहाँ पर लगा है। तो देख सकते हैं आप 14-14 यानी कि 28% टोटल GST, 14% सेंट्रल टैक्स और 14% स्टेट टैक्स यहाँ पर लग चुका है आपके सेल बिल के ऊपर, और जो कंज्यूमर के लिए आपने बनाया है इसको मैंने कर दिया सेव। तो इस तरीके से मल्टी GST या इस तरीके से हम जो है बिल GST के साथ बना सकते हैं। अब
ये तो अभी तक हमने जो सेल परचेज की है सिंपल वाला सेल परचेज था सिंगल जीएसटी रेट के साथ। अब अगर एक ही बिल के अंदर मल्टीपल जीएसटी रेट के साथ कोई स्टॉक बिल क्रिएट करना है, अलग अलग स्टॉक आइटम है जिन पे अलग अलग जीएसटी रेट है, तो वो मल्टी जीएसटी बिल कैसे बनेगा? अब वो मल्टी जीएसटी बिल भी मैं क्रिएट कर लेती हूँ, तो मैं ये मल्टी जीएसटी बिल जो है परचेज कर रही हूँ मान लीजिए, ठीक है। तो मैंने परचेज पे गई और परचेज पे जाके मैंने बिल नंबर यहाँ पे जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। पार्टी अकाउंट नेम में अगर जिस भी कंपनी से मान लीजिए मैं यहाँ पर सैमसंग एंड कंपनी से ही जो है परचेज कर रही हूँ, तो वो मेरे क्रेडिटर्स बन गए। तो मैंने सैमसंग एंड कंपनी की तरफ से जो है, मैंने ये रेगुलर डीलर्स हैं और मैंने यहाँ पर जो है जीएसटी का जो है डिटेल मैंने एक्टिवेट कर दी है और इसकी डिटेल यहाँ से भी एक्टिवेट कर दी है। जो बेसिक डिटेल्स थी वो हम बना चुके हैं यहाँ पर। अब मल्टी जीएसटी आप कैसे करोगे? अब मैं स्टॉक आइटम ले रही हूँ पर्टिकुलर, मान लीजिए अभी हमने स्टॉक आइटम ले लिया कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर मेरे पास कितना जीएसटी रेट है वो भी मैं चेक करूंगी, तो कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगी स्टॉक आइटम डेस्कटॉप कंप्यूटर पे और जीएसटी डिटेल के पास जाके मैं यस करूंगी और इसको देखूंगी। अभी मैंने जीएसटी रेट इस पे एप्लीकेबल अलग से नहीं किया है, तो इधर मैंने इसके ऊपर टैक्सेबल किया और 18% जीएसटी जो है यहाँ पर लगा दिया और इसको गुड्स में डाल के सेव कर दिया, ठीक है। परचेज कितने कंप्यूटर्स कर रहे हो? तो मैं 10 कंप्यूटर परचेज कर रही हूँ। पहले हमने जो कंप्यूटर परचेज किए थे वो 10,000 रुपए के थे, अभी जो कंप्यूटर मेरा पड़ा है वो 12,500 का पड़ा है। इसके बाद दूसरा स्टॉक आइटम ऑल्ट सी किया मैंने, दूसरा स्टॉक आइटम मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। और जो भी आप स्टॉक आइटम बनाएंगे, मान लीजिए रेडियो, ठीक है, मैंने रेडियो जो है यहाँ पर बनाया। रेडियो अंडर किसके आप रखना चाहते हैं, कौन से कंपनी का रेडियो है? तो ये सैमसंग कंपनी का रेडियो है, कैटेगरी में भी रेडियो आ सकता है, बाकी फिलहाल मैं इसको नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ। यूनिट में मैंने पीसेस ले लिए और जीएसटी डिटेल इसकी एप्लीकेबल कर दी और रेडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो जो रेडियो का डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने डाल दिया रेडियो 5,000 सॉन्ग्स, ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मैंने डाल दिया है। इसका HSN नंबर आप डाल दीजिए यहाँ पर। अब ये ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल ले लीजिए और इसके ऊपर मैंने जो है 12% जीएसटी लगा दिया है, ठीक है। 12% जीएसटी रेडियो पे मैंने लगा दिया है। अब रेडियो की कितनी क्वांटिटी आपने परचेज की है? 5 रेडियो परचेज किए और एक रेडियो 3,500 रुपए का जो है हमें पड़ा है, तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया। 2 स्टॉक आइटम हो गए। अब तीसरा स्टॉक आइटम आपको कौन सा बनाना है वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा मोबाइल। कौन सा मोबाइल यहाँ पे आप यहाँ डाल सकते हैं कि कौन सा मोबाइल आप यहाँ पे परचेज करें? तो मैंने डाल दिया मान लीजिए सैमसंग S9 करके मोबाइल जो है डाल दिया है, तो ये अंडर सैमसंग के जाएगा। कैटेगरी जो है अभी बनाई गई नहीं है, तो मैं कैटेगरी मोबाइल क्रिएट कर देती हूँ, तो ये कैटेगरी मोबाइल हो गई है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक आइटम किस चीज का है, यूनिट एप्लीकेबल कर दी है और जीएसटी डिटेल मैंने यस कर दी। मोबाइल का जो है मैंने डाल दिया स्मार्ट या मैं डाल देती हूँ मान लीजिए 4G, ठीक है, 4G मैंने डाल दिया और इसका डिस्क्रिप्शन HSN नंबर भी रैंडम मैंने डाल दिया। टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल लेंगे, 18% जीएसटी यहाँ पर इसमें लगाएंगे, ठीक है। ये भी ले लिया कितने मोबाइल्स आपने परचेज किए हैं, तो 12 मोबाइल हमने परचेज किए हैं और एक मोबाइल मान लीजिए मुझे 45,000 का पड़ा। अभी रैंडम मैं, मुझे नहीं पता इसका क्या रेट फाइनली मार्केट में होगा, तो अभी रैंडम मैंने रेट्स इसके डाल दिए हैं। अब हम नीचे आते हैं, नीचे मैं रेफ्रिजरेटर जो है ले लेती हूँ या वॉशिंग मशीन आप ले सकते हो, तो मैंने ले लिया यहाँ से फ्रिज ले लिया। अब फ्रिज के ऊपर जो है जीएसटी रेट मैं देख लेती हूँ कि कितना लगा रखा है, क्योंकि स्टॉक आइटम ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल करने के बाद देख सकते हैं ऑलरेडी मैं इसके ऊपर 28% जीएसटी लगा चुकी हूँ। तो इसको मैंने इसको डन कर दिया, सेव कर दिया। 10 पीसेज ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने परचेज कर लिया, तो जब मैंने यहाँ पे दिखाया था 15,000 कुछ का परचेज किया था, ठीक है, तो ये वाला रेफ्रिजरेटर हमें जो पड़ा है वो मान लीजिए 17,000 रुपए का पड़ा है। तो इस तरीके से मैंने इसकी डिटेल जो है डन कर दी, सेव कर दिया।
अब हर एक स्टॉक आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट लगा है, तो आपको नीचे भी जीएसटी जो है लगाना पड़ेगा। टोटल ओवरऑल हमें ये तो देखना पड़ेगा ना कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, रेडियो, सैमसंग S9, फ्रिज के ऊपर टोटल जीएसटी, सीजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है। तो सीजीएसटी ले लिया हमने एंड एसजीएसटी ले लिया हमने, तो ये टैक्स तो लग चुका है, लेकिन हर एक स्टॉक आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट यानी कि मल्टी जीएसटी बिल हमने बनाया है। तो हम इसकी मोर डिटेल ऑप्शन में कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और जीएसटी की डिटेल यहाँ पे यस करके देखेंगे और ऑल्ट एफ वन प्रेस करिए यहाँ पर, ऑल्ट एफ वन। तो ऑल्ट एफ वन करके आप देख सकते हैं जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उस पे 99 यानी कि 18% जीएसटी लगाया गया है, और अगर रेडियो पे देखें तो 66 यानी कि 12% जीएसटी लगाया गया है। सैमसंग S9 मोबाइल के ऊपर 99% यानी कि 18% जीएसटी लगा है, और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के ऊपर 14 यानी कि 28% जीएसटी जो है यहाँ पर लगाया गया। तो इस तरीके से जो है मल्टी जीएसटी बिल हमने क्रिएट करा है यहाँ पर। अब इस बिल को हम यहाँ से यस कर देंगे और इसकी डिटेल्स को हम सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से हम जो है क्रिएट करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं इसका प्रीव्यू कैसा लगेगा अगर हम प्रिंट करेंगे मल्टी जीएसटी बिल को, तो ऑल्ट पी करना, ऑल्ट पी करके आप एक बार ये चेक कर लीजिए कि इस बिल को हम अगर देखते हैं कि मल्टी जीएसटी बिल किस तरीके का दिखेगा, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये परचेज है और यहाँ पर जो है डिटेल जो है यहाँ पर आ रही है। फिलहाल अभी इसमें जीएसटी की डिटेल इसने नहीं दिखाई है, तो मैं आप लोगों को जीएसटी की डिटेल जो है बाद में दिखा सकते हो। अभी जो हमने एक्टिवेट किए हैं जीएसटी की डिटेल्स भी यहाँ पे प्रिंट होती हैं, तो देखते हैं अभी इसकी डिटेल्स भी हम इसके डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जाके चेक करेंगे। तो ये था मल्टी जीएसटी बिल इस तरीके से बनाना है। अब अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बिल हम बना रहे हैं, कोई ऐसा हमने परचेज किया है जो अनरजिस्टर्ड डीलर से किया है, मतलब कि जिससे आप सामान परचेज कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसी छोटी पार्टी या छोटा कोई शॉपकीपर हो जिसके पास जीएसटी नंबर, अभी तक उसने जीएसटी में रजिस्टर नहीं कराया और आप उससे परचेज कर रहे हो एज अ कंपनी, तो वो कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने बिल नंबर डाल दिया, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परचेज हमने बना ली, ठीक है। पार्टी का नाम डाल दीजिए यहाँ पर, ऑल्ट सी करके मैंने डाल दिया रमन टेलीकॉम, ठीक है। ये कंपनी का नाम मैंने डाल दिया, शॉप का नाम डाल दिया, ये क्रेडिटर्स हो गए हमारे, जीएसटी नंबर इसका नहीं है। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पे मुझे लेना है अनरजिस्टर्ड, तो मैंने ले लिया अनरजिस्टर्ड। जीएसटी की डिटेल वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब हमें क्या बताना है कि आपने क्या खरीदा है। तो हमने यहाँ से मोबाइल खरीदा है, तो जो भी आपने मोबाइल खरीदा है वो आपको बताना पड़ेगा। मान लीजिए नोकिया का मोबाइल आपने खरीदा है, ठीक है, तो अंडर भी नोकिया जाएगा ये। तो ये मैंने नोकिया का क्रिएट कर दिया और यहाँ पे कैटेगरी में मोबाइल ले लिया, यूनिट में पीसेस ले लिए, और इसके ऊपर जीएसटी रेट तो लगेगा, ठीक है। तो मैंने नोकिया के ऊपर, ठीक है, नोकिया मोबाइल HSN नंबर अगर अवेलेबल है तो हम डाल देंगे। फिलहाल HSN नंबर मान लीजिए इसका है या नहीं है, जो भी आप डाल सकते हैं। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेना ना, मोबाइल के ऊपर 18% जीएसटी जो है हमने लगा दिया, ठीक है, 18 या 12% जीएसटी हम लगा देते हैं। अब नोकिया का कितनी क्वांटिटीज आपने परचेज किए हैं, तो मैंने 10 सेट नोकिया के, जो छोटा वाला जो हमारा फोन कीपैड वाला होता है, वो हमने परचेज कर लिया, ठीक है। एक पीस का जो रेट है वो 1200 रुपये या 1000 रुपये है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब जीएसटी की डिटेल अगर आप एप्लीकेबल जीएसटी करेंगे भी तो भी जीएसटी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो बिल आप बना रहे हो वो अनरजिस्टर्ड के साथ था, तो यहाँ पे हम जीएसटी डिटेल शो नहीं करेंगे। आप देख लीजिए आपका बिल कितने का बना हुआ है, तो ये 10,000 रुपये का बिल बना हुआ है, मैंने इसको कर दिया यहाँ से सेव। अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड से परचेज करते हैं तो उस अनरजिस्टर्ड की परचेज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने की होती है तो रजिस्टर पर्सन की होती है। जैसे मान लीजिए कि आपने जिससे परचेज किया, आपने जो परचेज किया वो B2B परचेज है, यानी कि हमारी एक कंपनी है और हमने जिसको अभी जिससे हमने सामान खरीदा वो भी एक शॉप यानी कि एक बिजनेस ही मान लीजिए कर रहा है, तो लेकिन ये रजिस्टर नहीं है क्योंकि इसका बिजनेस इतना बड़ा, इतना वाइड नहीं है, इतनी उसकी सेल नहीं है कि वो जीएसटी भी भर सके, ठीक है। लेकिन हम तो रजिस्टर्ड है, तो मैं बायर हूँ, मैं यहाँ पे परचेज कर रही हूँ सामान, जिससे मैं परचेज कर रही हूँ वो सेलर है। तो उस केस में क्या होगा कि आपको ये देखना पड़ेगा
कि अगर जिससे मैंने परचेज किया है उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो जीएसटी हमारे बिल पे लगा नहीं सकता, लेकिन जो आपने परचेज किया वो तो टैक्सेबल है ना, मोबाइल के ऊपर तो टैक्स लगता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, एज अ कंपनी, एज अ रजिस्टर्ड कंपनी, आपको खुद इस बिल के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट करके जो है टैक्स देना पड़ेगा जब आप अपना रिटर्न भरेंगे। ठीक है, एसएसए कंपनी जब अपनी रिटर्न भरेगी तो अपनी परचेज को अनरजिस्टर्ड परचेज में दिखाया जाएगा और उसके थ्रू जीएसटी जो है पे किया जाएगा। तो ये अनरजिस्टर्ड परचेज थी। अनरजिस्टर्ड परचेज को मैं आपको रिपोर्ट्स में जाके भी एक बार दिखा देती हूँ। जीएसटी की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और वहीं आपको इसकी रिपोर्ट जो है मिलेंगी। यहाँ से आप आएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में, जीएसटी R1, जीएसटी R2। देखो जीएसटी R1 होता है हमारा परचेज का, सॉरी जीएसटी R1 हमारा होता है सेल का, जीएसटी R2 हमारी परचेज की डिटेल दिखाती है। तो जीएसटी R2 में जाऊंगी मैं क्योंकि ये हमारा परचेज थी, तो परचेज की डिटेल में ही हम यहाँ पे देखेंगे। ये देखिए टोटल मैंने कई परचेज किए हैं, टोटल 3 परचेज किए हैं और ये जो परचेज आप देख रहे हैं ऊपर, 2 परचेज जो आपकी दिखाई जा रही है, ये हमारी परचेज B2B, जिनसे मैंने खरीदा है वो भी कंपनीज है, मैं भी एक कंपनी हूँ, मेरी भी एक कंपनी है, तो ये B2B में ही दिखा रहा है। अब नीचे अगर आप आएंगे, नीचे आप देख सकते हैं ये निल रेटेड इनवॉइसेस में जा रहा है। ठीक है, ये निल रेटेड इनवॉइसेस में शो कर रहा है, मतलब कि जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेज किया था उस पे जीएसटी हम नहीं लगा पाए, क्योंकि जीएसटी हम नहीं लगा सकते क्योंकि जीएसटी नंबर ही उस पार्टी के पास एप्लीकेबल नहीं है, तो वो चीज वहां पर जो है इसमें दिखाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिटेल उन्होंने यहाँ दिखा दी है। अब हम इससे बाहर आते हैं, जीएसटी R1 के अंदर अगर आप जाओगे तो जीएसटी R1 के अंदर टोटल आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि कितनी जो है परचेज की है, कितनी आपने कितनी सेल की है, तो ये सारी सेल जो है यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको परचेजेस और सेल्स जो है नजर आ जाएंगे। अभी हमने एक सेल करी है तो ये सेल आपको यहाँ पर जो है नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए अमित के साथ आपने अभी तक एक ही सेल की है, वो भी कंज्यूमर कस्टमर के साथ, इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें डिटेल जो है देख सकते हैं। अब अभी हमने सिंपल बिल बना लिया सेम जीएसटी रेट के साथ, और मल्टी जीएसटी रेट के साथ भी हमने एक बिल बना लिया और एक अनरजिस्टर के साथ भी बिल बना लिया। अगर हमें अब सर्विसेज के साथ बिल बनाना हो, सर्विसेज सेल परचेज हुई हो, तो किस तरीके से बिल बनेगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमने कोई सर्विस जो है सेल करी है, तो मैंने यहाँ से ले लिया सेल और हम यहाँ पे सर्विसेज सेल करते हैं, तो सैमसंग कंपनी का मैं ले लेती हूँ। ठीक है, सैमसंग कंपनी को आपने सर्विसेज जो है सेल करी है और सेल ले लिया मैंने, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है इसका इनवॉइस जो है बदलेगा, नेम ऑफ आइटम आ रहा है। अब सर्विस एक आइटम नहीं होती है, सर्विस एक पार्टिकुलर होता है, तो इसको चेंज करेंगे, चेंज मोड यानी कि कंट्रोल एच करेंगे, इन वो अकाउंटिंग इनवॉइस यहाँ से लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ चुका है, अब एंटर कीजिए, यहाँ पे जाके डिटेल्स आपकी ऑलरेडी आ रही है कंपनी की। पर्टिकुलर्स में जाके सर्विस का नाम लिखेंगे किस टाइप की सर्विस दी गई, तो ऑल्ट सी किया मैंने, टेलीकॉम सर्विस जो है यहाँ पर गई है। ठीक है, तो मैंने ये चीज यहाँ पे डाल दी। अब ये टेलीकॉम सर्विस जो है हमारी, अगर हम सेल का बिल बना रहे हैं तो टेलीकॉम सर्विस हमारी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम में डाल दिया मैंने, इन्वेंट्री नो रहेगी क्योंकि ये इन्वेंट्री नहीं है। सर्विसेज में आना, जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल करना और यहाँ पर जीएसटी का डिस्क्रिप्शन डालना। ठीक है, तो मैंने डाल दिया टेलीकॉम सर्विस। ठीक है, एचएसएन नंबर अवेलेबल है तो एचएसएन नंबर डाल दीजिए, नीचे आएंगे टैक्सेबल कर दीजिए इसको, और इस सर्विस का जो रेट है, सर्विस का जो जीएसटी रेट है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मान लीजिए टेलीकॉम सर्विस पे 18% जीएसटी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, ये सर्विसेज है, तो सर्विस यस करके एप्लीकेबल करके आप बाहर आएंगे। अब डायरेक्टली टेलीकॉम सर्विस का जो अमाउंट है, आपको बिल का अमाउंट डालना पड़ेगा। ठीक है, तो 45,000 रुपये की टेलीकॉम सर्विसेज है, एंटर किया, यहाँ लगाया CGST, यहाँ लगाया हमने SGST। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये बिल जो है क्रिएट किया। अब इसको भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं जीएसटी रेट कितना लगा है, तो आपको आना है मोर डिटेल कंट्रोल आई में और यहाँ से जीएसटी की डिटेल जो है एप्लीकेबल, जीएसटी की डिटेल यस करनी है और ऑल्ट एफ वन प्रेस करना है, और 99 यानी कि 18% इस सर्विस के ऊपर, टेलीकॉम सर्विस के ऊपर जीएसटी जो है लगा है। तो इस तरीके से हम सर्विसेज का बिल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारी चीजें हमने यहाँ देख ली है। ठीक है, तो अब मैं एक सेल बिल यहाँ पे बनाने वाली हूँ और सेल बिल के अंदर आपको और भी अलग अलग टाइप की डिटेल जो है मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। तो अभी तक जितने भी हमने बिल बनाए वो सारे इंट्रा स्टेट बिल थे, लोकल बिल थे। अब इंटर स्टेट बिल भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने सेल किया है और सेल यहाँ पे
गुड्स का किया है तो इसका डिटेल हमें चेंज करनी पड़ेगी। वापस से चेंज मोड में या कंट्रोल एच में जाएंगे, आप आइटम इनवॉइस लेंगे और यहाँ पर एक कंपनी का नाम ले लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए एक कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं, रमन एंड सन्स। ठीक है, रमन एंड सन्स ये हमारे डेटर्स हो जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स, इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टिव। यहाँ आप स्टेट में आएंगे, स्टेट अब इसका बदलने वाला है। ठीक है, स्टेट में जाएंगे, हरियाणा स्टेट ले लिया मैंने, यहाँ से हरियाणा स्टेट ले लिया, इसका पिन नंबर जो भी एप्लीकेबल होगा, इस पार्टी का जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जीएसटी नंबर अब जो भी हरियाणा स्टेट का, आई थिंक मुझे अभी कंफर्म नहीं है, 06 में डाल देती हूँ फिलहाल। ठीक है, हरियाणा स्टेट के इस पार्टी का जो है, कंपनी का जो है, आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर जो है डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ये मैंने डन कर दिया। ये सेल कर रहे हैं हम, किस चीज का सेल कर रहे हो आप, तो वो चीज आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। मैंने ले लिया एलजी स्मार्ट टीवी के 5 पीसेस में सेल कर रही हूँ। ठीक है, एक स्मार्ट टीवी का जो अमाउंट है वो 22,000 रुपए है। ऑलरेडी मैं जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल कर चुकी हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो, और कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, इसकी डिटेल को, जीएसटी डिटेल को यस करके देख लीजिए। यहाँ पे अगर हमने जीएसटी रेट नहीं डाला है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्मार्ट टीवी है, तो स्मार्ट टीवी जो है आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डाल दिया मैंने 32 इंचेस का मैंने यहाँ पे डाल दिया, एचएसएन नंबर डाल दिया, टैक्सेबल कर दिया मैंने इसको, और स्मार्ट टीवी के ऊपर जो है मान लीजिए 28% जीएसटी मैंने लगा दिया। ठीक है, अब 10 पीसेस हमने खरीदे, हमने जीएसटी भी यहाँ पे लगा दिया है। अब और क्या चीज आपने सेल की है, ठीक है, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हमने सेल किया है, जो है 2 पीसेस रेफ्रिजरेटर सेल किया है और 1 पीस रेफ्रिजरेटर 20,000 रुपए का सेल किया है, तो ये चीज मैंने यहाँ पे डाल दिया। हम इसको जो है क्रॉस चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर करते हैं फ्रिज के ऊपर जाके, और इसका जीएसटी डिटेल हम एक बार चेक कर लेते हैं, हमने जीएसटी डिटेल जो है इसके ऊपर कितना जो है जीएसटी लगाया है, तो ये ऑलरेडी 28% जीएसटी एप्लीकेबल है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है बिल बना दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी। यहाँ पर अगर मैं लगाती हूँ, आपको एक चीज दिखा देती हूँ कि मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया। अब इस चीज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बिल मैंने यहाँ पे बनाया उसमें सी और एसजीएसटी लगाया लेकिन टैक्स यहाँ पर नहीं आया कैलकुलेट होकर। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब मैंने रमन एंड सन्स का लेजर क्रिएट किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो स्टेट है वो हरियाणा है, और हमारी कंपनी एसएसए कंपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो अब ये स्टेट बदल गया। ठीक है, सप्लायर यानी कि हम सप्लायर्स हैं, एसएसए कंपनी सप्लायर है, सप्लायर जो है वो है हमारा दिल्ली स्टेट का, और ये सप्लाई कहाँ जा रही है, ये जा रही है हरियाणा स्टेट में, तो यहाँ आईजीएसटी लगेगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आईजीएसटी जो है लगाऊंगी, तो ये लिया मैंने आईजीएसटी। आईजीएसटी लगाते ही आप देख सकते हैं टैक्स यहाँ पर आ चुका है, तो इस तरीके से हम आईजीएसटी का जो है टैक्स यहाँ पर लगा देंगे। अब इसकी भी डिटेल चेक कर लेते हैं, कंट्रोल आई या मोर डिटेल ऑप्शन में जाएंगे, जीएसटी की डिटेल हम यहाँ पे यस करेंगे, ऑल्ट एफ वन प्रेस करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं दोनों के ऊपर इंटरग्रेटेड टैक्स यानी कि IGST 28% आ चुका है। अब जब आपने नॉर्मल बिल देखा था जिसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, तो जब लोकल बिल होता है यानी कि विद इन अ स्टेट सेल परचेज होती है, एक ही स्टेट जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है वो भी सेम स्टेट है, जहां सेल हो रही है वो भी सेम स्टेट ही है, तो वो लोकल बिल होता है, इंट्रा स्टेट बिल होता है, तो उस पे जो जीएसटी लगता है वो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन शो किया जाता है, रेवेन्यू डिवाइड होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बिल है जो इंटर स्टेट बिल है, यानी कि जिस कंपनी से ये बिल बना है, जिस कंपनी ने सप्लाई किया है वो किसी और स्टेट का, और जहां सप्लाई किया है, ठीक है, जिसको सप्लाई किया है वो किसी और स्टेट का है, तो यहाँ इंटर स्टेट बिल बनता है, इसको हम इंटर स्टेट बिल यानी कि इंटर स्टेट जीएसटी के नाम से भी जानते हैं, और वहां पे लगता है बिल में इंटरग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी, तो वही हमने यहाँ इसके अंदर लगाया, इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, इस तरीके से अब इस बिल को हम एक बार ही चेक कर लेते हैं, इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं। प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि हमारे इस बिल का जीएसटी डिटेल के साथ सारी डिटेल आपको नजर आ रही है, देखिए। ठीक है, एचएसएन नंबर के साथ जीएसटी डिटेल पूरी की पूरी
यहाँ पर इस बिल के अंदर सब कुछ जो है नजर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमने IGST का भी बिल यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब ये सारी डिटेल मैं ऑलमोस्ट आपको सारी डिटेल दिखा चुकी हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया है। हमने अभी तक क्या किया, हमने एक नॉर्मल जीएसटी की हम कंपनी बनाई, जीएसटी के फीचर एक्टिवेट किए, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपल एक सिंगल रेट जीएसटी बिल बनाया, जो कि मैं आपको वाउचर्स में जाके दिखा देती हूँ। गेट डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, डे बुक में आपको सारी सेल सारी परचेज जो है नजर आएगी, ठीक है। तो हमने एक लोकल परचेज बनाई थी जिसमें नॉर्मल सिंपल सेल थी, जिसमें हमने जो भी सेल की थी वो सिंगल जीएसटी रेट वाले सेल थे उसके अंदर। फिर हमने मल्टी जीएसटी वाला भी परचेज सेल किया, जिसमें अलग अलग स्टॉक आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट हमने वहां पर दिखाए उसके अंदर, ठीक है। इस तरीके से हमने अलग अलग टाइप के बिल जो है यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं, और सारे बिल यहाँ पर हमने क्रिएट कर चुके हैं। अब हम स्केप करके बाहर आते हैं और इसकी रिपोर्ट चेक करते हैं। तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स में आपको आना है, और डिस्प्ले रिपोर्ट में जाकर इसके डिस्प्ले रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है, और GSTR1 चेक करनी है। GSTR1 में टोटल जो वाउचर्स आपको नजर आ रहे हैं वो 6 वाउचर्स नजर आ रहे हैं। अब इसमें यहाँ देख लीजिए परचेज कितनी है और आपकी सेल कितनी है, ठीक है। तो 3 परचेज यहाँ पे दिखा रहा है, एंटर किया मैंने तो 3 परचेज आपके अंबिका कंपनी के साथ, सैमसंग कंपनी के साथ और रमन कंपनी के साथ, ये 3 परचेज जो है आ रही है। और ये सारी परचेज जो है आपकी किस किस CGST SGST के साथ है, ये डिटेल के लिए मैंने यहाँ पर Alt F1 प्रेस किया है। Alt F1 प्रेस करने पर डिटेल्स शो होती है, और डिटेल्स में आप देख सकते हैं ये अंबिका के साथ परचेज है, CGST इतना है, SGST इतना है। ये सैमसंग के साथ परचेज है, इतना CGST इतना SGST। और ये रमन टेलीकॉम के साथ परचेज है, जो कि अनरजिस्टर्ड परचेज थी, इसीलिए इस तरीके की उसमें GST डिटेल यहाँ पर शो नहीं हो रही है। इस तरीके से हम बाहर आते हैं और ये हमारी सेल चेक करते हैं। एंटर किया मैंने, ठीक है, इसको ओपन किया, Alt F1 प्रेस किया, और आप देख सकते हैं अमित के साथ जो हमने सेल करी है, फिर सैमसंग कंपनी के साथ सेल करी है, और रमन के साथ। अमित हमारा कंज्यूमर था, ठीक है, उसके ऊपर GST लगाया हमने, सैमसंग कंपनी एक कंपनी है उससे परचेज सेल किया हमने, रमन एंड सन्स के साथ सेल किया। तो ये ऊपर जो 2 सेल आप देख रहे हैं ये कंज्यूमर सेल है, ये B2B कंपनी के साथ सेल है, लेकिन इस पे लोकल सेल है CGST और SGST। रमन एंड सन्स के साथ जो सेल है ये हमारी IGST यानी कि इंटरग्रेटेड सेल है, वन स्टेट टू अनदर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब हमें क्या करना है, अभी हमें बाहर आना है, GSTR 3B को चेक करना है। तो GSTR 3B के अंदर आपको यहाँ पर ये आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, ठीक है। आउटवर्ड मतलब कितनी सेल आपने की है, ये वो है टोटल सेल का GST इतना है। और ये आपकी जो है ITC एलिजिबिलिटी, मतलब कितना ITC अवेलेबल है आपको, कितना ITC आपको मिल रहा है, क्योंकि सेल माइनस परचेज, ठीक है, तो सॉरी सेल माइनस परचेज, तो इससे आपको पता चलता है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और आपको ITC कितना मिला है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो आप इस तरीके से इस रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हो। GSTR 3B के अंदर आपको जो है ITC भी यहाँ पे दिख जाती है, इनवर्ड सप्लाई आपकी, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें जो है आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको रिपोर्ट्स में यहाँ पर दिखाई गई। तो इस तरीके से हम इस पूरी डिटेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपना बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हो, तो आपको बैलेंस शीट में नजर आएगा, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ सेल परचेज किया, हमारे पास कोई लेजर अदर अलग से कुछ भी नहीं था यहाँ पर, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आप अपना चेक कर सकते हैं, हमने अभी सिर्फ सेल परचेज की है तो वो आपको सेल परचेज ही दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा GST की सारी डिटेल्स, हमने कोशिश की है कि आपको GST का ट्यूटोरियल जो है इस वीडियो के अंदर दिखाया जाए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मैंने कोशिश की है कि आपको GST की सारी डिटेल इस टेलीप्राइम ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको बता सकूँ। तो कोशिश की है कि ये वीडियो जो है आप तक पहुँचे और आपको अच्छी लगे और आपको चीज़ें जो है समझ आए, क्लियर आए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video.